हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों रोज आप रात 8 बजे जुड़ते होंगे तो हम आपने जाना होगा इसके कुछ पिछले जो वीडियोस थे वहां हमने सीखा था कि राजस्थान पुलिस की जो पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए साइंस के जो सवाल थे उनको हमने यहाँ से क्वेश्चनों को देखा है और उसी अनुसार सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 से हम आज यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। एक गर्मा गर्म सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। जैसा कि आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, एक आसान सा सवाल है। इसके बाद ये जब ये 2008 में आया था इसके बाद भी बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगामी एग्जाम में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमें दिया गया है, पहला ऑप्शन नाइट्रोजन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन हमें आर्गन दिया गया है, फिर ऑक्सीजन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है इस नाइट्रोजन का परसेंट वायुमंडल में 78% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। आर्गन की बात करें, आर्गन जो होता है आर्गन एक अक्रिय गैस होती है और ये 0.93% पे अवेलेबल रहती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन की बातें की जाए तो ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। कितनी होती है? लगभग 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए यहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट वायुमंडल में होता है दोस्त कितना? 0.03% होता है। इसी के अनुरूप ध्यान में रखिएगा कि आपको इनके बारे में किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने परसेंट पे होती है और ये पूछा गया सवाल भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पे अवेलेबल रहती है, ऑक्सीजन 21% पे होती है, आर्गन 0.93% पे होती है, नाइट्रोजन 78% पे अवेलेबल रहते हैं। अभी जैसे एनटीपीसी के जो पेपर लगे थे पिछले, इन एनटीपीसी के पेपरों में एक क्वेश्चन देखने को मिला कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैसें होती हैं जो गैसों का 99% हिस्से में योगदान रखती हैं, मतलब जो ओवरऑल जो पूरी की पूरी जो गैसें होती हैं इनमें 99% मात्रा किन गैसों की होती है। तो देखिएगा जो 78 है नाइट्रोजन और एक दूसरी ऑक्सीजन 21%, इन दोनों की परसेंट को आप लोग जोड़ते हो तब हमारे पास आता है कितना? 99% आता है। तो आगामी एग्जाम में इसी क्वेश्चंस को आप लोगों को घुमा के दिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी दो गैसें होती हैं जो वायुमंडल में 99% हिस्से पे पाई जाती है। एक तो होती है ऑक्सीजन और एक होती है नाइट्रोजन। और यहां तक कि आपको ग्रुप डी के पेपरों में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है ऑक्सीजन होती है। और यदि परसेंट आप लोगों को पूछा जाए, परसेंट से भी आप लोग वाकिफ हो चुके हैं, बता सकते हैं 21% होगा। और नाइट्रोजन का परसेंट पूछे तो आप लोग जान ही चुके हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इन सभी क्वेश्चनों में रोजाना आप 8 बजे के दौरान आप लोगों ने देखा होगा इसके पिछले वीडियोस में भी कि हम इसी प्रकार से क्वेश्चनों को 15 से 20 मिनट रोजाना यहां से डिस्कस करते हैं और इसी सिलसिले को हम एग्जाम तक जारी रखेंगे। तो आप रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आए तो आप इस सेशन को अपने अन्य साथियों को भी यहां से ज्वाइन करवा सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इसके पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को भी आप 1x1 करके देखते आइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सभी वीडियोस को कंटिन्यू देखते आइएगा। जैसे कि क्वेश्चंस में पूछा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फोरेनहाइट पैमाने पर क्या होता है, ये राजस्थान पुलिस 2010 का सवाल था। और इसमें देखो एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी, इसके पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ इस प्रकार से रिलेटिव बातों को किया था। जब आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तब मैंने पूरे डिटेल के साथ इन चीजों को वहां से आपके साथ शेयर किया था। तभी दोस्तों आपको बार बार इस चीज को नोट करवाता हूँ कि आप लोग सभी वीडियोज में क्रम से बने रहिएगा। जैसे 0 डिग्री दिया गया है, किसी भी तापमान का जो रिलेशन होता है, रिलेशन सेंटीग्रेड फोरेनहाइट और जो केल्विन में जो रिलेशन होता है, ये
आपके सामने लिखा गया है के माइनस 273 बटा 5 होता है, ये होता है सी बटा 5, एफ माइनस 32 बटा 9, के माइनस 273 बटा 5 होने को तो एक न्यूमर में और होता है लेकिन वो हमारे कहीं काम में नहीं आता है, ये चीजें होती है। अब देखो, अब आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया गया है सेंटीग्रेड में कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है और आप लोगों को फोरेनहाइट में निकालना है, तो जिन चीजों को आप लोग यहाँ क्वेश्चंस में देखते हो उनमें रिलेशन आप लोगों को उठाना होगा, सेंटीग्रेड और फोरेनहाइट में रिलेशन उठाइएगा। सेंटीग्रेड में तो कितना दिया गया है आपको, 0 डिग्री दिया गया है और आप लोगों को किस में ज्ञात करना है, इसे 0 डिग्री को फोरेनहाइट में ज्ञात करना है हमें, तो ज्ञात कैसे कर सकते हैं, रिलेशन आप लोगों के सामने लिखा गया है सी बटा 5 होगा, सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9 होगा, एफ माइनस 32 बटा 9 होगा, सी की जगह कितना रखेंगे हम, 0 रखेंगे बटे कितना रखेंगे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा कितना होगा 9 होगा, 0 में यदि 5 का भाग लगाएंगे कितना होगा 0 होगा, बराबर यहां से बनेगा एफ माइनस 32 बटा कितना बनेगा 9 बनेगा। इधर आते हैं फिर, हमारे पास इतना सब कुछ हो चुका है तो ये जो 9 है इस 9 को 0 के पास भेजेंगे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर f माइनस 32, ये इतना काम बच चुका है हमारे पास। और दोस्तों किसी भी चीज को हम किसी क्वेश्चंस में निकालते हैं किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जिस चीज को हम निकालना चाहते हैं उसको सदैव हम अकेला रखेंगे तभी तो उसका आंसर आएगा हमारे सामने। तो f माइनस जो 32 है इसमें हम माइनस वाला 32 है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कहने का मतलब 0 में यदि आप 32 जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होगा, फोरेनहाइट के, मतलब 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड था वही मान फोरेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फोरेनहाइट होगा। तो ऐसा आप कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि आप लोगों को यहाँ मान दिया जाए क्वेश्चंस में, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि 0 डिग्री दिया जाएगा, बाकी अन्य चीजें भी मिल सकती हैं, मानो 10 डिग्री दे दें और कुछ दे दें, तो आप इस अनुसार व्यवस्थित करके उसका आंसर आप लोग यहाँ से जज कर सकते हैं। तो बता सकते थे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान होता है वो फोरेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फोरेनहाइट होगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूँ, जैसे कि ये राजस्थान पुलिस की एग्जाम में आप लोगों को 2008 में पूछा गया है और क्वेश्चंस में एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई है, वो ये है कि कौन सा उपकरण हवा का दबाव मापने का काम करता है, हवा का जो दाब होता है इस दाब या दबाव को मापने का कौन सा यंत्र काम में लेते हैं। फटाक बॉक्स से कमेंट में लिखिएगा कि यहाँ से सही जवाब यहाँ से क्या होने वाला है, चलिए तो लिखिएगा देखें, बाकी फिर हम ऑप्शन वाइज सभी ऑप्शंस के बारे में यहाँ से जानते हैं कि बायरोमीटर क्या काम करेगा, बैरोमीटर क्या काम करता है, थर्मामीटर क्या काम करता है और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। चलिए तो देखते हैं कि देखें हमारे सामने जो ऑप्शंस लिखे गए हैं, जैसे पायरोमीटर होता है, ये पायरोमीटर तापमान को मेजर करवाने का काम करता है, जो उच्च जो तापमान होता है उसको मापने का काम करता है, यानी कि पायरो जो मीटर होता है ये तो किसको मेजर करने का काम करता है, तापमान को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर जो होता है इस बैरोमीटर के द्वारा हवा का दबाव मापा जाता है, हवा का जो दबाव या दाब होता है इस दाब को मापा जाता है। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर होता है ये मानव शरीर का तापमान मापता है, यानी कि ये भी तापमान को ही मापने के लिए काम में लिया जाता है। फिर बात रही किसकी, गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा की दिशा को मापा जाता है, यानी कि इसके द्वारा क्या मापा जाता है, धारा की दिशा को मापा जाता है, किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। इस सीरीज में दोस्तों यदि आप रोजाना 8 बजे जुड़ते होंगे तो हमने पिछले वीडियोस में एनीमोमीटर के बारे में बात की थी, एनीमोमीटर अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूं, यहां से हमने डिस्कस किया था एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर होता है ये क्या मापता है, हवा के वेग को मापने का काम करता है, इसके द्वारा हम क्या माप सकते हैं, हवा का वेग को माप सकते हैं, हवा के वेग को मापा जाता है इसके द्वारा। और यदि अलग इसके अलावा और बात करें, देखो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और है, आगामी एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां आप लोगों को कुछ इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे एमिटर होता है, एमिटर, इस एमिटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, किसको मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। इसके अलावा और बात करें हम एमिटर के अलावा,
तो हमने इसके पिछले वीडियो में रिएक्टर स्केल से संबंधित भी बात की थी, रिएक्टर स्केल इस रिएक्टर स्केल के द्वारा क्या मापा था, हमने बताया था पीएच, वो जो रिएक्टर जो स्केल होता है इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, किसको मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो आप इन ऑप्शनों के साथ इनका भी आप लोग ध्यान में रखें, आगामी एग्जाम में कुछ यहां से रिलेटिव बातें आप लोगों को पूछी जाती है। चलिए तो बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला सवाल है आपके सामने, एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता है, एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति यानी सामान्य दशाओं में एक मिनट में कितनी बार श्वास की क्रिया करता है। कई स्टूडेंट क्वेश्चंस को सही नहीं पढ़ने के वजह से यहाँ बेहतर ए ऑप्शन में तो बेहतर ही लगा देते हैं ऑप्शन में सही जवाब। तो बेहतर तो जो होता है हमारी जो हार्ट बीट होती है वो होती है, वो एक मिनट में हमारा जो हृदय जो होता है वो धड़कने धड़कता है कितनी बार, बेहतर बार उसमें धड़कने होती है या बेहतर बार धड़कता है, वो भी सामान्य अवस्था में। यदि आप व्यायाम कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, उस स्थिति में वो धड़कने बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ तो श्वास के बारे में पूछा गया, सांस के बारे में पूछा गया है। तो सामान्य दशाओं में व्यक्ति एक मिनट में लगभग 16 या इसके आसपास नजदीक कोई आपको मान यहाँ से ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है। सामान्य दशाओं में हम एक मिनट में कितनी बार श्वास की क्रिया करते हैं, 16 बार श्वास की क्रिया करते हैं। और बेहतर जो होता है ना, ये बेहतर मत लगा देना, बेहतर बार तो क्या है, हमारे हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो एक मिनट में कितनी होती है, बेहतर होती है। तो जवाब आप लोग सुन सकते थे यहाँ से कि सर यहाँ डी यहाँ से सही जवाब हमारा यहाँ से होने वाला है। और ध्यान में रखिएगा, यदि आप लोग व्यायाम करते हो तो व्यायाम की स्थिति में श्वास की क्रियाएं, जो श्वास एक मिनट में आप जो क्रियाएं करते हो वो प्रभावित हो जाती है व्यायाम के समय या दौड़ लगाते समय। व्यायाम के समय लगभग आप बता सकते हैं 25 बार अब एक मिनट में श्वास की क्रिया को दोहराते हैं। तो जवाब आप लोग समझ ही चुके हैं, बेहतर नहीं लगाना है, कितना लगाना है, 16। क्वेश्चंस को कई बार अपन जल्दबाजी में गलत पढ़ने के वजह से अपन ए ऑप्शन में बेहतर दिखता है वहीं से हम उसको फटाक से करके आगे बढ़ लेते हैं। तो जान ही पाए होंगे एक मिनट में कितनी बार श्वास की क्रिया होती है, 16 बार होती है। अगला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा पौधा परजीवी या मर्त जीवी है। दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को चुनाव करना था कि कौन सा पौधा परजीवी होता है। परजीवी का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर करता है अपना जीवन, तो वो होता है दोस्तों कौन सा, मशरूम होता है। कौन होता है, मशरूम होता है। बी विकल्प यहाँ से आप लोग चुनाव कर सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार एक ऊर्जा पूर्वक बन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन बेशक आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा लेकिन आसान सी बात ही पूछी गई होगी, पढ़ते हैं। देखिए ये भी राजस्थान पुलिस 2008 में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चंस में दिया गया था, यदि चार गेंदों ए बी सी डी में कुछ द्रव्यमान समान, यानी कि जो चार गेंदे हैं ए बी सी डी, एक तो गेंद ए है, एक गेंद बी है, एक गेंद सी और अगली गेंद है डी है, इसका द्रव्यमान चारों का समान पूछा गया क्या, उनके आयतन का क्रम, उनके आयतन के क्रम के बारे में पूछा। आयतन का क्रम ए बी सी और डी हो तो इनमें उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदे कौन सी होंगी। घनत्व को बताना था कि इनमें से न्यूनतम घनत्व किसका होगा और अधिकतम घनत्व किसका होगा। पहले तो दोस्तों यहाँ से देखो, आपको क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना था। यहाँ देखो ना तो हमें बढ़ता क्रम कह रखा ना घटता क्रम कह रखा, लेकिन दोनों के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ से सही जवाब क्या समझ पाते देखिएगा। पहले तो देखो घनत्व जो होता है, इस घनत्व में और इस आयतन में संबंध कहाँ होता है, वो रिलेशन पता करना था। तो किसी भी वस्तु का जो घनत्व होता है, ये घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो देखो द्रव्यमान में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों को, क्यों, क्योंकि सभी गेंदों का द्रव्यमान क्या दिया गया है, समान दिया गया है। और ये उल्टा रिलेशन आप देखो व्युत्क्रमानुपाती है, यदि किसी वस्तु का घनत्व यदि बढ़ेगा तो उसका आयतन क्या होगा दोस्त, कम होगा। यदि आयतन को आप लोग बढ़ाते हो तो उसका जो घनत्व होगा वो घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध, द्रव्यमान तो समान है, बाकी देखो
यहां हमें दिया गया या तो देखो अब सही जवाब क्या होगा, घनत्व वाली गेंदें कौन सी होंगी, उच्चतम घनत्व और निम्नतम घनत्व, यानी कि आप लोगों को ऐसे कहता कि सबसे ज्यादा जो आयतन है वो किसका है, ए का है, और सबसे आयतन कम किसका है, डी का है मानो। तो घनत्व के बारे में बात करें तो जिसका आयतन कम है उसका घनत्व ज्यादा होगा, या तो ए सही जवाब या क्या होगा, डी होगा। और जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, और जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों बता ही सकते थे आप लोग, या तो जवाब हमारा ए होगा या क्या होगा, डी होगा, कम यदि ज्यादा पूछे तो। और यदि आपको क्वेश्चंस में दोनों ही चीजें पूछी गई हैं कि उच्चतम घनत्व भी बताओ और निम्नतम भी घनत्व बताओ, अब तो कोई क्रम का लफड़ा ही नहीं था कि सर ये बढ़ता क्रम है या घटता क्रम है, हमारा जवाब ए और डी दोनों होंगे, और ए और डी दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में अरेंज करके दिए गए थे हमारे को, यहां से ए ही ऑप्शन में मिल रहे थे कि ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होगा। इस प्रकार दोस्तों आप रोजाना आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट इस साइंस के खूबसूरत से सफर को तय करें, जिससे कि हम यहां से जानते हैं कि पिछली परीक्षाओं में आपको साइंस से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस खूबसूरत से सफर को आप एक ऊर्जा पूर्वक और पूरे ध्यान के साथ सफर करिएगा। चलिए तो दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को कहा क्या जाता है, ये बात आप लोगों को यहाँ से पूछी गई थी। और मॉडरेट क्वेश्चन ही है, 2018 में आपको लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, तो बता सकते थे यहाँ से सही जवाब होगा क्या, सी विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होगा कि किसी भी आपके पास पदार्थ है, इस पदार्थ का 1 ग्राम जो पदार्थ है, इस 1 ग्राम पदार्थ का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में अपन लोग उसको क्या कहते हैं, आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसको हम कहते हैं क्या, विशिष्ट ऊष्मा, उसको कॉल किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने और दिया गया है और वो भी इकाई से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने में प्रयुक्त की जाती है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस सीरीज में दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कार्य की ऊर्जा क्या होती है और ऊष्मा की ऊर्जा क्या होती है, वेग की क्या होती है, कुछ इस प्रकार की बातें मैंने आपको वहां से भी डिस्कस करवाया था और यहां से भी आप लोगों को इकाई से संबंधित ही मेटेरियल पूछा गया है और वो भी पूछा गया क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। चलिए तो देखते हैं, आप ऑप्शन वाइज भी यहाँ से जान सकते थे कि जो ओम होती है ये ओम किसकी इकाई होती है, ओम इकाई होती है किसकी, प्रतिरोध की, किसकी होती है, प्रतिरोध की। ये पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है कि ओम जो होता है ये ओम किसकी इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है। या क्वेश्चंस को आपको बदला जा सकता है कि प्रतिरोध जो होता है ये प्रतिरोध की इकाई जो होगी वो क्या होगी, ओम होगी। चलिए आगे बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है क्या, वेबर होती है। तो क्वेश्चंस में आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूछा गया था तो बता सकते थे कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेबर वाला, आपको पिछली परीक्षाओं में भी बहुत बार इस क्वेश्चंस को रिवाइज किया गया है, आगामी एग्जाम में भी आप जिसकी भी प्रिपरेशन करते होंगे। अब ये जो क्वेश्चनों की सीरीज मैंने यहाँ से शुरू की है ये तो ऐसे तो है नहीं कि केवल और केवल राजस्थान पुलिस के लिए ही काम करेगी, अदर एग्जाम की जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, विज्ञान आपके सिलेबस में जुड़ा है, वहां भी ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। और बात करें वोल्ट, वोल्ट जो होता है ये होता है किसका, विभवांतर का, किसका होता है, विभवांतर का होता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज में होते हैं कि सर वाट किसका होता है, वाट जो होता है वो किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। ध्यान में रखिएगा वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की, वोल्ट किसकी होती है, विभवांतर की। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर किसकी इकाई होती है, विद्युत धारा की, किसकी होती है, विद्युत धारा की होती है। अब आप इन सभी ऑप्शंस के बारे में जान चुके हैं,
चुंबकीय फ्लक्स की इकाई तो क्या होती है, वेबर होती है, और ओम जो होती है वो प्रतिरोध की होती है, वाट वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, एम्पियर जो इकाई होती है वो विद्युत धारा की होती है। इसी के साथ आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं कि वाट जो होता है वो किसकी होती है, शक्ति की होती है। इस प्रकार तमाम जो ऑप्शंस आप लोगों के सामने लिखे गए थे उनको भी हमने यहाँ से जान ही लिया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला सवाल था हमारा, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। एक आसान सी बात थी, ज्यादा कुछ यहाँ से जानने को नहीं था कि बायोडीजल की खेती करने के लिए हम किस पौधे का सहारा लेते हैं, किसकी खेती करते हैं, कहने का मतलब। तो वो होता है दोस्त कौन सा, वो होता है रतन जोत। ये विकल्प में हमारे को यहाँ से दिया गया था कि रतन जोत की खेती की जाती है, तो सही विकल्प हमारा होता ये, यहाँ से सही विकल्प होता। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते आज की इस वीडियो में अंतिम क्वेश्चन को हम यहाँ से देखने वाले हैं। जैसा कि अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। ये राजस्थान पुलिस 2007 का सवाल है। आगामी एग्जाम में भी कुछ इस प्रकार की रिलेटिव बातें आप लोगों को पूछी जा सकती है कि ऑपरेशन जो फ्लड होता है वो किसको इंडिकेशन करता है, या दिए गए जो चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों ऑप्शनों में किससे संबंधित होता है, तो वो होता है दूध उत्पादन से। किससे है, दूध उत्पादन से है। ए विकल्प का चुनाव आप लोग यहाँ से कर सकते थे, आप लोगों का सही जवाब होता ए, यहाँ से सही विकल्प होता। इस प्रकार दोस्तों आपको सेशन उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और यदि हमारा ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने अन्य साथियों को भी यहाँ से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इसके पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को आप क्रम से देखते आइएगा, जिससे कि आप सभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस पीछे सोल्व करवाए आप लोगों को, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिल दिमाग और जहन में पहुंच पाए। इसी प्रकार दोस्तों आप अपना प्यार और साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। इस प्रकार इसके अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।